सावरकर चौक पर नगर पालिका प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत वीर सावरकर चौक की सड़क के दोनों ओर नालियों के ऊपर जो अतिक्रमण कच्चा पक्का था उसको हटाया गया बलपूर्वक, और जेवीसी मशीन जो महाबली कहते हैं जिसको उसने अपने अतिक्रमण हटाने में जो भूमिका अदा की है, यहाँ पर कुछ व्यापारी हैं, व्यापार संगठन से जुड़े नेता हैं, इनकी अपनी अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर कुछ राय है। इस राय के अंतर्गत हम सावरकर चौक पर पल्लू पीसीओ मोबाइल के नाम से जो फर्म है इसके संचालक पदम जैन अपनी बात रख रहे हैं। पदम जैन जी क्या है? मेरे संबंध में मैंने SDM मोहम्मद से भी बात की थी, ईओ साहब से भी बात की थी कि साहब हमारे यहाँ 6 फीट की नाली है, 6 फीट गहराई है, इसका एक समाधान बताएं कि हम आज दुकान के अंदर हम कैसे जाएं। उन्होंने कहा कि आप चैम्बर बनाइए, मैंने कहा चैम्बर बना हुआ है हमारा, कहले नहीं हम पहले तोड़ के देखेंगे नाली कितनी बड़ी है, और जबरदस्ती उन्होंने हमारी दुकान तोड़ दी है। जहाँ आज सबको दिखा दिया था 6 फीट की नाली है, तो 6 फीट के अंदर कैसे जाएं। उन्होंने फिर भी हमने बाद में कहा कहले हम बाद में बताएंगे, समाधान बताइए दुकान कैसे खोलूँगा, मैं कैसे जाऊँ अंदर, कह रहे नहीं बाद में बताएंगे। उन्होंने जबरदस्ती तोड़ के तो हजारों रुपए का नुकसान कर दिया है। एक बार कम से कम महोदय मार्गदर्शन दें, मैंने उनसे 6 बार कहा, SDM महोदय से कहा भी, EO साहब से भी कहा कि हमें सिर्फ मार्गदर्शन दें आपके कहाँ से हम बनवाएं, कैसे हम रखें यहाँ। उन्होंने कोई हमें मार्गदर्शन नहीं दिया और जबरदस्ती नुकसान करके यहाँ से चले गए। इसके पहले पूर्व में भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चला था, उस समय EO साहब से और सबसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था दुकानदार के दुकान के अंदर नाली के ऊपर आप चैम्बर बना लें, मैंने उसी आधार पर चैम्बर बनाया था, इसके बावजूद भी तोड़ दिए गए, अपनी बात से मुकर गए मैं अधिकारी। जैसा कि कुछ दुकानदारों को प्रशासन की कार्यप्रणाली पर संदेह है, उनकी लापरवाही से उन्हें विरोध है, उनका मानना है कि जो अतिक्रमण के तहत नालियों को वीरान कर दिया है, आगमन रोक दिया गया है, ऐसे में जो दुकानदार दुकान कर रहे हैं उसमें ग्राहक नाली खुली नाली को पार करके चले जाएगा। ललितपुर में SDM महोदय श्री भूलेलाल जी थे, उस समय व्यापारियों ने लिखित तौर पर उन्हें इस बात के लिए अनुरोध किया था कि हमें बताएं दुकानदार किस तरीके से अपनी दुकान के ऊपर और नीचे किस दायरे में अपना छत छाया के लिए करें, तो उस समय गोरेलाल जी जो SDM थे उन्होंने कहा था कि 3 फुट आप 3-4 फुट आप छत रख सकते हैं, लेकिन किसी तरह का चैम्बर सामान नहीं टांगा जाएगा और नालियों के ऊपर कोई कच्चा एक स्थान बना लें जिससे ग्राहकों को आगमन होगा। लेकिन दुकानदारों का और व्यापारियों का आरोप है प्रशासन के प्रति, उन्होंने पूर्व मानकों को ध्यान में नहीं दिया और बलपूर्वक अतिक्रमण हटाया। हमारे बीच में व्यापार मंडल के खिलाफ सुरेश बराना, जिन्होंने विगत 2 दिन पहले जिला प्रशासन को इस बात का ज्ञापन दिया था कि जो अतिक्रमण हो रहा है वो मानक और व्यवस्थाओं के अनुकूल नहीं हो रहा है, इनके ज्ञापन की कितनी सार्थकता रही, क्योंकि ये व्यापारी इन पर विश्वास करते हो, व्यापारियों पर ये विश्वास करते, जिलाध्यक्ष सुरेश बराना ही बताएंगे। तारीख को मैंने ज्ञापन दिया था, इसके पूर्व में जो जिलाधिकारी महोदय डॉक्टर रूपेश कुमार जी थे, SDM और EO साहब थे, हम लोगों की उनसे वार्ता हुई थी कि दुकान के आगे 3 फुट चद्दर की लगाने की व्यवस्था की गई थी और नाली के ऊपर गोल्ड पत्थर या लोहे की जाली बनाने की व्यवस्था की गई थी, चैम्बर बनाए गए थे। लेकिन जब अधिकारी बदल जाते हैं, कल मैंने DM साहब से यही कहा था, मैंने यही अनुरोध किया था, मैंने यही लिखा था कि हम आपके अपने का सम्मान करते हैं, लेकिन जो हमारी मांग पहले थी या तो आप एक मीटिंग अभी बुला ली, तो जिलाधिकारी महोदय ने कहा था कि आपको एक मीटिंग कर ली, लेकिन आज कहे मेरी सम्माननीय EO साहब से बात हुई थी, उनसे भी मैंने एक मांग की थी कि हम आपके जो ऊपर से आदेश हैं लेटर की सुनने बनाने के, हम उसमें सहभागी हैं, लेकिन हमारे व्यापारियों को आप पहले से एक गाइडलाइन सुनने कर दो जिससे हमारा गरीब व्यापारी बाबा नुकसान का कौन हो सके, और एक बार हट जाए इसके बाद निगरानी करें आप, अगर दोबारा कोई व्यापारी करता है उसको आप सामान जब्त करें। लेकिन आज कहे अभी आज मेरे EO साहब से बात हुई, मैं 15 मिनट पहले प्याऊ के पास आया था, मैंने SDM मैडम से बात की, उन्होंने कहा हम बात करते हैं, लेकिन EO साहब का कहना ये मेरे चक्कर नहीं लगाएंगे, चक्कर खराब लगते हैं, गंदे होते हैं, आप इस पर एक नीली हरी वो आती है प्लास्टिक की फोल्डिंग वाली वो चक्कर वो लगा लें आप, और धरती पर लगा लें नाली पर, आपके DM साहब ने कह दिया है कि आप जाली पर लोहे की जाली लगा लें, नाली ढकने के लिए लोहे की जाली या पत्थर खोलने लग लें, चम्मा बना के रख लें, लेकिन आज हमें आज आके देख रहा है पूरा व्यापारियों को चौपट कर दिया। कल हमने कोई मांग की थी कि हमारे व्यापारियों को नुकसान ना हो जाए, आज अभियान मैंने EO साहब से बात की, उन्होंने कहा मैंने जाए काम बंद करा दिया है, अभियान मेरे हम आए जी। मेरा मानना है कि आपने जो प्रशासन से मांग की थी उसके विपरीत आपकी नज़र में
काम हुआ है, आपका आरोप है प्रशासन ने आपके विचारों को, व्यापारियों की भावनाओं को नहीं समझा, तो आपका संगठन अब व्यापारियों के साथ इस व्यवस्था जो अव्यवस्था आपको लग रही है क्या करेगा? हम व्यापारियों के साथ रहेंगे, जो व्यापारी हमारा जो व्यापारी जो मानक है या जो नाली रखने की, जहाँ मानो हमें बताया पल्लू भाई साहब ने कि 6 फुट नाली है, उसमें वास्तव में चक्कर की चक्कर नहीं हो सकती है, वहाँ पत्थरी रखे जाएंगे। कल हम जाकर यू एस आर से बात करेंगे और जाकर डीएम से बात करेंगे, चैम्बर भी बने हुए। जैसे कि व्यापारी नेता और अन्य व्यापारियों का आरोप है जो हमें मानक बताए गए थे, उन मानकों के विपरीत अतिक्रमण हटाया जा रहा है, कहीं ना कहीं तानाशाही मनमानी है। लेकिन जहाँ प्रशासन से बात करते हैं तो प्रशासन कहता है कि हमने अपनी गाइडलाइन के अंतर्गत अतिक्रमण हटाया है, शहर को सुंदर और व्यवस्थित बनाने का हमारा अपना संकल्प है और सभी से वे अनुरोध भी कर रहे हैं कि हमारा सहयोग दें। हम ये आपको बताना चाहते हैं लखनऊ लाइव टीवी के माध्यम से, एक समय में दो विरोधाभासी कार्यक्रम व्यवस्थाएं एक साथ शहर में चल रही हैं, तो शहर का विकास होगा कि विनाश होगा ये आने वाला कल बताएगा। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि।